Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from ordinary differential equation from December 2019 question paper. The first question is from part B. The question says that for the following system of ordinary differential equation, यहाँ से हमें dx by dt दिया और dy by dt दिया है, then the critical point at 0,2 is, हमें critical point find out करना है इनमें से क्या होगा. तो अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को तो f फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस टेक f इज फंक्शन ऑफ x, y रेस्पेक्टिवली. y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन g फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस टेक g इज फंक्शन ऑफ x, y. तो अगर f को सिंप्लीफाई करेंगे ये लिखा जा सकता है 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy रेस्पेक्टिवली. g का x के रेस्पेक्ट में g का अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2y माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ y स्क्वायर आएगा. अब हमें यहाँ से f दिया हुआ है, f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2y रेस्पेक्टिवली. f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस ऑफ 2x. g का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ 2y और माइनस ऑफ, बस इतना ही आएगा यहाँ से. एंड g का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनेगा 2 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2y. अब हमने यहाँ से इस पॉइंट पे चेकआउट करना है. पॉइंट है हमें 0,2 दिया है, तो 0,2 x की जगह 0, y की जगह 2 रखना है, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करने से माइनस वैल्यू आई. इसी तरीके से इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से वैल्यू माइनस ऑफ 4 आ जाएगा. यहाँ से वैल्यू आएगी 2 माइनस 4, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2 आ गया. अब हमने यहाँ से मैट्रिक्स लिखनी है. लाइक मैट्रिक्स हमें जो लिखनी है उसमें एलिमेंट लिखने हैं. यहाँ से फर्स्ट रो f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, g का x के रेस्पेक्ट में, g का y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट. तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी पे लिखनी है. तो यहाँ से मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास माइनस 1 0 माइनस 4 माइनस 2. अब हमने यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज देखने हैं. डिस्टिंक्ट आ रही है, सेम आ रही है, रियल आ रही है, इमेजिनरी आ रही है. तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, इसके लिए हमारे पास यहाँ से आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए ले लेते हैं. ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमने 0 लेना है. तो यहाँ से इसका अगर ट्रेस देखें, ट्रेस हमारे पास यहाँ से इसका क्या बन रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, और डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ से इसका क्या बन रहा है, 2 माइनस 0. सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 2. तो यहाँ से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया. ये हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी. ये हमारे पास यहाँ से कौन सी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हमें यहाँ से रूट्स देखने, इसके रूट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा. फर्स्ट दो एलिमेंट में देखते हैं, तो फर्स्ट दो एलिमेंट में लैम्डा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 रिमेनिंग रहेगा. नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 1 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 2 रहेगा, इक्वल्स टू हम लिख देंगे 0. लैम्डा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से दो रूट्स आ गए, पहला रूट तो है लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1, अनदर रूट आया लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2. दो रूट आ गए, दोनों हमारे पास डिस्टिंक्ट है, रियल रियल डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में हमारे पास यहाँ से ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से. अब हमारे पास ये जो रूट बने हैं ये हमारे पास रियल है, अनइक्वल है, अनइक्वल है. साथ ही हमारे पास यहाँ से ये सेम साइन है और साइन भी हमारे पास सेम साइन है. तो इनके केस में तो ये हमारे पास बनेगा नॉट, ये हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, नॉट. साथ ही दोनों रूट हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव रूट हमारे पास यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, नेगेटिव रूट इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास यहाँ से ये स्टेबल बनेगा, स्टेबल नॉट बन रही है. और अगर ये हमारे पास स्टेबल नॉट बन रही है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt and dy by dt इज गिवन हियर. देन फॉर द सिस्टम देयर एग्जिस्ट वी हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो अब हम यहाँ से फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे. x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को तो f फंक्शन मान लेते हैं, f इज फंक्शन ऑफ xy, और इसको मान लेते हैं g इज फंक्शन ऑफ xy. तो अब हमारे पास अगर यहाँ से f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस g का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो उस केस में हम यहां से कह सकते हैं देयर इज नो क्लोज्ड पाथ इन R स्क्वायर. तो अगर हम यहां से देखें इसके केस में f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा क्या, यहां से f का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ रहा है हमारे पास यहां से, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 into 4. वो तो एज इट इज रहने देते हैं, 3x स्क्वायर लिख देते हैं, y स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ 5x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 आएगा, प्लस g का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने करना है. तो यहां से आएगा 5x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 प्लस यहां से 2 इंटू 3
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से ये दोनों टर्म तो रेस्पेक्टिवली कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस की ये वैल्यू आ गई 6, 6, 12, 18 हो गया। 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सो ओवरऑल टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आने के केस में हम यहाँ से कह सकते हैं देयर इज नो क्लोज्ड पाथ इन आर स्क्वायर, देन हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। Now come to the next question. So the next question is from part C. The question says that consider the eigenvalue problem. हमे यहाँ से eigenvalue problem दिया है with boundary condition y0 at 0 equals to 0, y at 1 plus 2 y dash at 1 equals to 0. Then which of the following are true? हमें बताना है कौन सा statement यहाँ से हमारे पास correct answer होगा। तो अब अगर हम यहाँ से इस question को देखें तो ये question हमने यहाँ से क्या कहता है? ये problem हमें कुछ इस format में दिया है vx y dash का differentiation प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्मेट में हमें यहाँ से दिए, और इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है ये हमें यहाँ से एल्फा वन वाई एक्स प्लस एल्फा टू वाई डैश एक्स वाई डैश एट पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, लाइक यहाँ से एक पॉइंट ए आ गया इक्वल्स टू जीरो, एंड बिट्टा वन वाई एट बी प्लस बिट्टा टू y dash at b equals to 0, ये हमें यहाँ से दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम यहाँ से इक्वेशन दिए तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो p ऑफ x हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है 1 प्लस x रेस टू द पावर 4, एंड q ऑफ x हमें यहाँ से दिया हुआ है 1, q ऑफ x हमें यहाँ से 0 दिया हुआ, सॉरी r ऑफ x हमें यहाँ से दिया हुआ है 1, ये फॉर्मेट हमें यहाँ से दिया हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें एल्फा वन की वैल्यू हमें यहाँ से 1 दी हुई है, एल्फा टू की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, बिट्टा वन की वैल्यू हमें यहाँ से 1 दी हुई है, बिट्टा टू की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दी हुई है 2 दी हुई है। इससे कंपेरिजन हमने कर दिया रेस्पेक्टिव बाउंड्री कंडीशन का, एंड ए की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दी हुई है, ए की वैल्यू हमें 0 दी है और बी की वैल्यू हमें यहाँ से 1 दी है। तो अगर हमारे पास यहाँ से सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट की दी हुई हो तो इसकी हमारे पास आइगन वैल्यू रेस्पेक्टिव लेमडा वन लेस देन लेमडा टू लेमडा थ्री एंड देन सो ऑन यहाँ से इंक्रीजिंग मोड में होगी, एंड लिमिट एन स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट लेमडा एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। कब करेगा? व्हेन व्हेन हमारे पास यहाँ से पी एक्स वाई एक्स वाई डैश एक्स बिटवीन ए टू बी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो, एंड क्यू ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो। तो हमारे पास यहाँ से जो सारी आइगन वैल्यूज है ये हमारे पास क्या होगी? नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज होगी। तो अब अगर हम यहाँ से इसी प्रोसेस में देखें, क्यू एक्स तो हमारे पास पहले से ही जीरो है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें यहाँ से अगली कंडीशन देखनी है, तो अगर अगली कंडीशन हमें यहाँ से सिंप्लीफाई करनी है तो इसके फॉर्मेट में हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, पी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स एस टू द पावर 4, वाई ऑफ एक्स आ गया और वाई डैश ऑफ एक्स आ गया, बिटवीन हमें लेना है 0 टू 1 क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारे पास यही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 2 वाई एक्स 2 वाई 1 वाई डैश 1 माइनस ऑफ वाई 0, यहाँ से जीरो पुट करेंगे y डैश एट जीरो आएगा। अब अगर यहाँ से बाउंड्री कंडीशन से देखें तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ से क्या दी हुई, इनकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर एट 1 माइनस ऑफ जीरो आ जाएगी। यहाँ से हमने वाई जीरो एट जीरो वाली कंडीशन लगाई और यहाँ से ये हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन सिंप्लीफाई की है जो हमें यहाँ से इसमें गिवन थी। तो अब अगर इससे हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एट 1। अब ये वैल्यू वाई स्क्वायर एट 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू माइनस है तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू जीरो ही आएगी माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी जो सारी आइगन वैल्यूज है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज हमारे पास नॉन नेगेटिव होगी, और अगर सारी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव होगी तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आइगन वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी क्योंकि हमने यहाँ से लेमडा वन लेस देन लेमडा टू वाली कंडीशन लिखी है, सारी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव लिखी है तो नॉन नेगेटिव के केस में ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, देन हमारा ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।